अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। नाउ वी स्टार्ट विद दुआ। रब्बे जिदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा और हमें नफा बख्श इल्म अता कर। नाउ वी विल स्टार्ट आर लेक्चर यूनिट 1। टॉपिक इज आर प्लैनेट। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द वीनस। वीनस इज आल्सो कॉल्ड द अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज, मास, वेट एंड डेंसिटी इज ऑलमोस्ट टू इक्वल दैट ऑफ अर्थ। अच्छा, वीनस को जो है हम अर्थ ट्विन इसलिए कहते हैं कि इसका साइज, मास, डेंसिटी तकरीबन अर्थ के बराबर होती है। दैट्स वाई इसको अर्थ ट्विन कहते हैं। और यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती, और इसके साथ साथ ये सबसे रोशन जो है वो सियारा है। उसके बाद है अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट एज फॉर एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ कंसर्न। अर्थ जो है वो तीसरा प्लैनेट है अगर हम इसकी सूरज से फासले की बात करते हैं। द अर्थ इज़ द प्लैनेट वी नो द बेस्ट बिकॉज वी लिव ऑन इट। हम अर्थ को इसलिए अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि हम इस पर रहते हैं। लाइफ एग्जिस्ट परहैप्स ओनली ऑन अर्थ। ठीक है, लाइफ जो है वो सिर्फ इस वक्त जो है अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, वाटर है। दैट्स वाई यहाँ पे लव जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, लाइफ का वजूद है। एंड मून इज़ ओनली द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और हमारा जो चांद है इसकी हमारी जो अर्थ है उसका सैटेलाइट है। उसके बाद स्टूडेंट, सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी प्लेस्ड इन ऑर्बिट राउंड द अर्थ, मून और एन अदर प्लैनेट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और फॉर कम्युनिकेशन। यानी एक मस्नूई सियारा जो कि साइंसदान खला में भेजते हैं ताकि वो ज़मीन, चांद या किसी भी सियारे के मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी करें और मुवासलात का काम करें। उसके बाद जो हमारी अर्थ है ना, वो सूरज से तकरीबन 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। और ये ज़मीन के गिर्द अपना जो चक्कर है वो 365.5 डेज में मुकम्मल करती है। और ये निज़ामी शमसी का वाहद सियारा है जहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ चलेंगे, मार्स, जिसको हम मरीख भी कहते हैं। द फोर्थ प्लैनेट ऑफ द सन इज़ कॉल्ड मार्स, जिसको हम मरीख कहते हैं। देर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ ऑन इट। इस पर साइंसदान कहते हैं कि यहाँ पे लाइफ जो है किसी तरह से मुमकिन है। द कलर ऑफ दिस प्लैनेट इज़ रेड। इस सियारे का जो रंग है वो सुर्ख है। इट्स डे इज़ एज लॉन्ग एज द अर्थ डे। और इसकी जो दिन होते हैं वो दिन जैसे हमारी ज़मीन के दिन है उसी तरह होते हैं। ठीक है, एंड इट्स ईयर इज़ नियरली इक्वल टू 2 years ऑफ द अर्थ। और इसका जो एक साल होता है ज़मीन के 2 साल के बराबर होता है। और आपको पता है स्टूडेंट, जो मरीख है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका जो रंग होता है वो सुर्ख होता है, जिसकी वजह से इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। और इसके अलावा क्या है कि मार्स ज़मीन और वीनस से छोटा और मरकरी से बड़ा होता है। और सबसे जो दिलचस्प बात ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और लिक्विड आइस मौजूद है। और साइंसदानों का ख्याल है कि कुछ आलात की मदद से या उनके इस्तेमाल से यहाँ ज़िंदगी बसर की जा सकती है। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। और इसके अलावा यहाँ पे 2 रोबोट्स भी मौजूद हैं इस वक्त, जो कि इसकी सतह से मालूमात इकट्ठी करके नासा को पहुँचा रहे हैं। जुपिटर, दिस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम में से तीसरा बड़ा सियारा है। उसके बाद स्टूडेंट, इसकी जो सरफेस है इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। इसकी जो सतह है वो कई गैसेस से मिलकर बनी है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये सब शामिल हैं। इट इज़ वेरी कोल्ड, रीचिंग अबाउट द -128। और इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जो कि -128 है। उसके बाद स्टूडेंट, जो मुश्तरी है वो ज़मीन से नज़र आने वाला तीसरा सियारा है। और इसके तकरीबन जो है वो 67 मून होते हैं। और यहाँ पे इसकी सतह पे कांस्टेंट तूफ़ान चलते रहते हैं, लेकिन इसकी सतह पे जो तूफ़ान चलते हैं वो ज़मीन के तूफ़ान के मुकाबले में बहुत तेज़ होते हैं। और साइंसदानों पे ने यहाँ पे जो एक तूफ़ान है उसको द ग्रेट रेड स्पॉट का नाम दिया है, जो कि तकरीबन 200 साल से चल रहा है। उसके बाद हम सैटर्न की बात करेंगे। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर। ये मुश्तरी के बाद दूसरा बड़ा सियारा है। इट कम्प्लीट्स वन रेवोल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 10 hours and 40 minutes। ये एक चक्कर जो है अपने मदार के गिर्द तकरीबन 10 घंटों और 40 मिनट में मुकम्मल करता है। इट टेक्स 29.5 years टू कम्प्लीट इस रेवोल्यूशन अराउंड द सन। और ये तकरीबन सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के लिए तकरीबन 29.5 साल जो है वो लेता है। और इसके अलावा क्या है कि स्टूडेंट, इसकी सबसे ख़ास बात है कि जो सैटर्न है इसके गिर्द
पत्थरों के और उसके साथ साथ बर्फ के रिंग्स होते हैं, और सैटर्न के तकरीबन 60 से ज़्यादा मून हैं, और ये ज़मीन से नज़र आने वाला पांचवा और आखिरी बड़ा सियारा है। उसके बाद यूरेनस की बात करेंगे। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आर सोलर सिस्टम आफ्टर द जुपिटर एंड द सैटर्न, यानी जुपिटर और सैटर्न के बाद ये नज़र आने वाला तीसरा बड़ा सियारा है। इट कम्प्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 84 ईयर्स, ये तकरीबन 84 ईयर्स में यानी इतने सालों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। इट्स मूवमेंट इज क्लॉकवाइज लाइक अदर प्लैनेट एंड नंबर ऑफ इट्स सैटेलाइट इट्स 5, और इसकी जो मूवमेंट होती है वो क्लॉकवाइज होती है, और इस पे जो सैटेलाइट्स हैं वो कितनी होती हैं, 5 होती हैं। और ये तकरीबन स्टूडेंट्स यूरेनस जो है ज़मीन से 63 गुना बड़ा है, और इसके 27 मून होते हैं, और इसका टेम्परेचर जो होता है -224 होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम नेपच्यून, उसके बाद है निज़ामी शमसी का आठवां सियारा है। इसकी सतह मीथेन गैस से बनी हुई है, जिसकी वजह से इसका रंग जो है वो नीला नज़र आता है, और इट वाज डिस्कवर्ड इन 1846 में डिस्कवर हुआ था, और इसकी जो अपनी रेवोल्यूशन है वो तकरीबन 165 अर्थ ईयर्स के बराबर होती है, यानी इतने सालों में एक चक्कर मुकम्मल करता है। देर आर ओनली 2 सैटेलाइट्स ऑफ दिस प्लैनेट, और इसकी तकरीबन 2 सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लूटो। प्लूटो को मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लैनेट्स लिस्ट से 2006 के बाद निकाल दिया गया था, क्योंकि ये बहुत ही छोटा प्लैनेट है, और ये इसकी प्लैनेट्स की जो डेफिनेशन रीडिफाइन हुई थी इसके थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट का नेम दे दिया गया था, लेकिन इसको बुक में अभी भी शामिल किया गया है। ठीक है, उसके साथ है कि ये फार्देस्ट प्लैनेट होता है, दूर होता है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1930 AD में, और अ ईयर इन प्लूटो इज इक्वल टू 248 ईयर्स इन अर्थ, कि ये हमारी अर्थ ऑन द अर्थ हमारी अर्थ की तकरीबन 248 यानी 248 साल के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसकी पिक्चर दी गई है, जिसमें जो सन है उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट वन में मरकरी है, उसके बाद हमारे पास वीनस आ जाता है, अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स है, मार्स के बाद जुपिटर आ जाता है, सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस एंड नेपच्यून। उसके बाद आपको एक होमवर्क टास्क तो दिया गया है स्टूडेंट, दैट इज विच प्लैनेट इज रेफर टू एज अर्थ ट्विन, किस प्लैनेट को अर्थ ट्विन्स कहा गया है और इसकी रीज़न क्या है। ऑन विच प्लैनेट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, और किस प्लैनेट पे जो है वो लाइफ की एग्जिस्ट कर सकती है, लाइफ के इम्कान है, आपने उस प्लैनेट का नेम बताना है। थैंक्स।